हूँ जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस चुनाव में सबसे चर्चित नामों में से एक ईश्वर साहू का नाम, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री और सात बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे को भारी मतों से हराया था और साझा विधानसभा में कमल खिलाया है, जिसके बाद विधायक ईश्वर साहू आए दिन चर्चा में आते रहते हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि साझा विधायक ईश्वर साहू पर फिल्म भी बनने वाली है, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ी में बनेगी और इस फिल्म का नाम रहेगा दंगल द बीरनपुर फाइल्स। फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने विधायक ईश्वर साहू से अनुमति भी ले ली है और अब स्क्रिप्ट पर तेजी से काम जारी है। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। भाजपा प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ईश्वर साहू के साथ कुछ फोटोज शेयर करते हुए बताया है कि विधायक ईश्वर साहू पर एक मूवी बनने जा रही है। फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स की अनुमति के बाद अब इस फिल्म पर तेजी से काम शुरू हो गया है। फिल्म का ऑडिशन भी शुरू हो चुका है। प्रोड्यूसर हेमलाल चतुर्वेदी ने बताया कि मैं साझा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बीरनपुर की घटना और उसके बाद ईश्वर साहू का विधायक बनना ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस घटना को मैं पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल साल 2023 में बेमेतरा के साझा विधानसभा में बीरनपुर में एक हिंसा हुई थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ईश्वर साहू के बेटे गुणेश्वर साहू भी थे। बताया जाता है कि उस दौरान सरकार ने ईश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल साल 2023 में बेमेतरा के साझा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर इलाके में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक स्कूल से शुरू हुई मारपीट की घटना ने बड़े सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हुई थी। जिन लोगों की जान गई, उनमें से एक ईश्वर साहू के बेटे गुणेश्वर साहू भी थे। बताया जाता है कि उस दौरान सरकार ने ईश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। और बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ईश्वर साहू को साझा विधानसभा से टिकट दे दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे और 7 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे को हरा कर साझा विधानसभा सीट में जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बीरनपुर की इस पूरी घटना पर एक फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम होगा दंगल द बीरनपुर फाइल्स। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।